मत हार तू, मेहनत करने से एक दिन बड़े से बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा, और सब रख के मेहनत करता जा, एक दिन उसका फल भी तुझे मिल जाएगा। और जी हाँ, इसी लाइन को चरितार्थ करते हुए आज का वीडियो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जी हाँ, मैं हूँ अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नामे पाठशाला रेलवे एग्जाम। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप सभी तक बुलंद तरीके से पहुँच रही होगी। जी हाँ, आप यहाँ पर जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सर, आप ये बोलेंगे सर ये SSC फेज 9 क्या है, तो जी हाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक एग्ज़ाम है जिसकी निर्धारित तिथि पहले से ही डिसाइड हो चुकी है। तो सर ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं, इसका मेन रीज़न मेरे भाई लोग ये है जिसको अभी मैं पूरा आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सिर्फ बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी की हुई मेहनत जो आप RRC ग्रुप D के लिए कर रहे हैं अभी तक, उसको एक और निहित समय आ चुका है जिसमें आप उसको कैश कर सकते हैं। कैश करने का मतलब अपनी मेहनत के द्वारा नौकरी पाने की एक उम्मीद आपके सामने और जाग चुकी है। जी हाँ, SSC फेज 9 के फॉर्म आ चुके हैं और इसकी एग्जाम डेट 2 से 10 फरवरी 2022 के बीच में निर्धारित की जा चुकी है। अभी मैं आपको पूरी बात दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। पूरी बात यह है कि 2 से 10 फरवरी 2022 में इसका एग्जाम होना है, ये जो दिन निर्धारित किया गया। और भैया समझिएगा, जितने भी बच्चे RRC ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर वो अपने शरीर के सभी छिद्रों को खोलकर ये बात सुने, खास तौर पर कान के इस छिद्र को। वो बात ये है कि सेम सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है, इसीलिए मैंने यहां लिखा सेम बिल्कुल और डिट्टो सिलेबस, पाठ्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं। आपकी तैयारी इस एग्जाम के लिए जो आप अभी तक करके आ रहे हो 2019 से, इस एग्जाम में काम आने वाली है। और मात्र ₹100 इस एग्जाम की फीस है, जो कि 2 से 10 फरवरी बार बार डेट इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि समय बहुत नजदीक आ चुका है और आपकी तैयारी आगे और अगर इसी तरह अच्छे से चलती रही तो ये मान के चलिए निश्चित नौकरी आपकी है। अब मैं कुछ चीजें इसमें आपको दिखाना चाहता हूं, उसको देखिएगा ध्यान से। किसी भी उससे जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो यहां पर चीजों को किस तरीके से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के द्वारा एक ये एडवर्टीजमेंट है जिसका फेज 9 का 2021 में सिलेक्शन पोस्ट के लिए, जिसके लिए चीजें आपको सामने दिख रही होंगी। देखिए, डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/9 यानी 24 सितंबर से 25 अक्टूबर तक, आज तारीख 19 अक्टूबर हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 25/10 है, जो कि रात में 11:30 बजे तक 25 तारीख को आप इसमें रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट की 28 अक्टूबर है लास्ट डेट ऑफ द जनरेशन ऑफलाइन चालान, अगर आप ऑफलाइन चालान बनाना चाह रहे हैं तो उसकी भी डेट आपको शाम को दी हुई है 28 अक्टूबर, वो भी है। और इसी तरीके से इसमें आगे चीजें दी गई हैं। अब मैं आपको जो मेन चीज बताना चाह रहा हूं, अच्छा, नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो 3,261 वैकेंसी है, जो कि मुझे लगता है एक अच्छी खासी संख्या है नंबर ऑफ वैकेंसी की, 3,261 वैकेंसी की। अब जो मैंने आपसे कहा उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सिलेबस की बात कर ली जाए। सर जो हम पढ़ रहे हैं कहीं उससे ये अलग तो नहीं है? बिल्कुल अलग नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, बेसिकली 3 लेवल पर ये फॉर्म है, मैट्रिक लेवल पर, हाई स्कूल लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर। यानी कि आपको ध्यान से देखना होगा, चीजों को समझना होगा, पूरा नोटिफिकेशन आप देखकर अच्छे से पढ़ेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए इसको लेकर आया हूं ताकि आपकी जानकारी में मैं ये बात बता सकूं कि ये भी आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। एज लिमिट की बात की जाए तो कैटेगरी वाइज यहां पर दी हुई है किसके लिए क्या एज लिमिट होगी और किसको एज लिमिट में कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है, वो इस तरीके से यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, थोड़े थोड़े चीजों को आगे लेकर चलते हैं। ग्रुप सी पोस्ट के लिए क्या है एज 40, SC ST के लिए क्या है, ध्यान से देखते चलिएगा। और आप पूरा नोटिफिकेशन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज, और मैं ये कहूंगा कि आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरे, जिन बच्चों ने अभी तक इसको नहीं भरा। आगे बढ़ते हैं, मैं सिलेबस की बात आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। देखिए, एज जो ली जाएगी आप 9.2 में देख पा रहे हैं, जो पैरा नंबर 9.2 है, एज लिमिट एंड द पोजिशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी 1/1/2021 से इसको माना जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा।
और आगे बढ़कर मैं सिलेबस की बात भी आपसे करने वाला हूं। मात्र और मात्र पेबल फीस जो है वो 100 रुपए है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है। और ये आप जो फी पेमेंट है ये आप किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, भीम यूपीआई नेट बैंकिंग यूजिंग वीजा कार्ड मास्टर कार्ड माइस्ट्रो रूपी क्रेडिट डेबिट और द एसबीआई ब्रांचेस बाय जनरेशन एसबीआई चालान, इनमें से किसी भी के द्वारा आप इस फॉर्म के लिए अपनी जो है फीस को सबमिट कर सकते हैं। सेंटर्स बताए गए हैं कि कहां कहां पर है, सेंटर रीजन के सेंटर्स कहां पर हो सकते हैं ये बताए गए हैं कि ये कहां कहां सेंटर्स हैं। आप पूरी चीजों को देखकर अपने सेंटर को बड़ी बारीकी के साथ भरिएगा कि आपका घर कहां है, और बहुत ज्यादा दूर आपको सेंटर डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि इसमें क्या क्या आने वाला है, जरा थोड़ा सा देखिएगा। जनरल इंटेलिजेंस, जिसको आप काफी 2019 से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस सेम कंडीशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ का बेसिक नॉलेज, देखिए लिखा है बेसिक अर्थमेटिक स्टिक, यानी कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो चैप्टर आपके ग्रुप डी में आने वाले हैं उसमें से भी कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो इसमें नहीं पूछे जाएंगे, यानी आपकी मेहनत ये मान के चलिए सही रास्ते पर चल रही है, और इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा। जी हाँ, एक चीज का याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग 0.50 की है, तो जो प्रश्न आपको वहां पर तकलीफ दे रहा हो उसे छुइएगा मत। संदेह बड़ी गड़बड़ चीज होती है, कंफर्म है तो हिट करिए, संदेह है तो छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं लेकर, अब यहां पर अगर बात की जाए मैट्रिकुलेशन लेवल पर जो सिलेबस है उसमें जनरल इंटेलिजेंस के लिए ये चीजें लिखी हुई, जनरल अवेयरनेस के लिए ये है। और अगर आप लोग कहेंगे आपकी डिमांड पर, तो मैं इसका एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना दूंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या पढ़ना है। मात्र इस सिलेबस को भी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस ये दिया हुआ है। इसी तरीके ग्रेजुएशन और उसके ऊपर की जो पोस्ट हैं उसके लिए जो ये सिलेबस है वो आपका एक एक कैटेगरी करके आपको यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा का पूरा आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िएगा, और यहाँ पर सारी चीजें आपको दी गई है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, मतलब जैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है वैसा ही टेस्ट होगा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आप ग्रुप डी के सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपने लगभग तैयारी करना अपना 2019 से जब से फॉर्म आया शुरू किया है, मैं सिर्फ आपसे कहूंगा सीरियस होकर पढ़ाई पर लग जाओ, और ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इसी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आप सभी के सम्मुख आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट हैं आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।